knowledge for the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, aadab, namaskar, main Mohsin Ali aur aap dekh rahe hain BK News. औकाफ बोर्ड ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 9 अप्रैल को शबे बारात यानी जागने की रात को मस्जिदों में इज्तमाई या इकट्ठा होकर कोई प्रोग्राम ना करें। असिस्टेंट कमिश्नर बसवकल्याण ने भी अपील की है कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, दरगाह कब्रिस्तान को ना जाएं। सभी मैनेजमेंट कमेटी इसका ख्याल करें और किसी को भी दरगाह या कब्रिस्तान में जाने ना दें। जो भी इबादत करना है अपने घर पर ही करें। के सारे निवासियों से मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि अभी 9 तारीख को शबे बारात जिसे जागने की रात को सरकार ने भी ऑर्डर किया है, लेकिन हमारी भी गुजारिश है, हमने कल पीस कमेटी मीटिंग बुला के सारे रिलीजियस लीडर्स से बात करके भी मीटिंग की है। सभी निवासी से गुजारिश है कि वो अपने अपने घर में नमाज पढ़ें, अपने अपने घर में जो भी रिचुअल है वो अदा करें, दरगाह कब्रिस्तान मस्जिद में ना जाए। दरगाह कब्रिस्तान मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी ये सुनिश्चित करे, इंश्योर करे कि बाकी लोग वहाँ आकर नमाज अदा ना करें। सभी लोगों से गुजारिश है, सरकार ने ऑर्डर किया है, हम वापस आपसे गुजारिश करते हैं कि आप घर पर ही नमाज अदा करें और मैनेजमेंट कमेटी भी इसको ऐसा करें। इसके अलावा जिया पाशा जागीरदार, मौलाना मंसूर और मौलाना जमील अख्तर ने भी अपील की है कि जो भी इबादत करना है अपने घर पर ही करें, कब्रिस्तान दरगाह ना जाए। मैं ख्वाजा जियाउल हसन जागीरदार, सज्जादा नशीन मुतवल्ली, बारगाह हज़रत शेख सवार बादशाह, मैं सुनाना चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तमाम बसवकल्याण के जितने भी हजरात हैं, सबसे दरख्वास्त है कि ये जो शबरात है इसमें जो है कोई मस्जिद को ना आए और कोई कब्रिस्तान को भी ना जाएँ। मोहतात रहें, एहतियात करें और सब अपने अपने घरों में इबादत करें, जिक्र अस्कार करें, नवाफिल कसरत से पढ़ें और कोई मस्जिद को आने की जहमत ना करें, इसलिए कि हालात अभी सुधरे नहीं हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि आप तमाम हजरात अपने अपने घरों में ही जो है इबादत का अहतमाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि शबे बारात के मौके पर जो कब्रिस्तान को जाया जाता है या उससे एक दिन पहले जो फातिहा खानी के लिए जो कब्रिस्तान जाया जाता है, उसके वास्ते तमाम लोगों से ये अपील की जाती है कि कब्रिस्तान को ना जाएं बल्कि अपने घरों पर ही इस अजर सवाब करें और उसके साथ साथ शबे बारात के मौके पर जो नमाज़ अदा करने के लिए जो मस्जिदों को जाते हैं, मस्जिद में भी नमाज़ अदा करने के लिए ना जाएं बल्कि अपने घरों पर नमाज़ अदा करें और इस तरह मस्जिदों में जाकर जो हालात जो बिगड़ रहे हैं उसमें और मस्जिद ख़राब होने का ना दें, तो तमाम लोगों के लिए बेहतर होगा कि अपने घरों पर नमाज़ अदा करें और घर पर अपने घरों ही से आप अपने मरहूमी के लिए सवाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिलखुसूस बसवकल्याण के तमाम मुसलमान और दीगर अतराफ या जहां भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उन तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस गुजारिश ये करूंगा कि आने वाली हमारे पास जो शबे बारात है जिसको हम लोग हर साल बड़े अहतमाम के साथ मनाते थे, मगर आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में जो है कर्फ्यू का मसला चल रहा है, लॉकडाउन का मसला चल रहा है, जिसके सपोर्ट करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि एक वायरस की वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है और काफ़ी लोगों की जाने जा रही है। इसलिए मैं बिलखसूस आप हजरा से गुजारिश करूँगा कि शबे बारात में जो हर साल अहतमाम होता था वो इस साल मस्जिद मोहम्मद या गुलशन बहार या किसी भी मस्जिद में अहतमाम नहीं किया जाएगा। आप लोग अपने घरों में ही जो है पाबंदी के साथ आप शबे बारात मनाएं, नमाज़ें अदा करें, नवाफिल पढ़ें और जो लोग कब्रिस्तान हर साल जाते थे अपने बुज़ुर्गों की हाज़िरी के लिए, अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी के लिए और वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ते थे, उनसे भी गुजारिश है कि जो है एक साथ जुट होकर के जमात बना करके ना जाएं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।